हरनाई। यहाँ पे हम आए हैं सिविल हॉस्पिटल, जो कि सिविल हॉस्पिटल में कोई पुरसान हाल नहीं है। यही डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के साथ है, और हम हमारे जो मिनिस्टर साहब है मीर रसगुल्ला मरी साहब, उसके इंतहाई कोशिश है इसने इसी सिविल हॉस्पिटल में बहुत ज़बरदस्त मशीनरी लगाई हुई है, और इसी तरह इन लोगों ने यंग डॉक्टर्स की अभी हालिया में 500 पोस्ट मिनिस्टर साहब ने दी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहीं पे कोई डॉक्टर नहीं है, यहीं पे कोई डिस्पेंसर नहीं है। यहाँ पे आप देखें लेडीज़ का रश पश लगा है, ये भी जवान देखें, ये देखें इसके पास ये कागजे से उठाए हुए हैं, कितने कागजे डॉक्टरों के पीछे फिर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहीं पर कोई सुनवाई नहीं होता। हम हुकूमत बलूचिस्तान से जाम कमाल साहब से, मिनिस्टर नसीबुल्ला मरी साहब से हम ये 10-15 गुजारिश करते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में एक प्राइवेट सेक्टर कायम करें, एक अवामी सेल कायम करें, जो कि यहीं पे अवाम का जो आवाज़ है वो सुनाई दिया जाए। यहीं पे हज़ारों लोग आते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी यहीं पे जब 2 बजे बजते ही उसके बाद सारे डॉक्टर चले जाते हैं, और डॉक्टर की एक बार डॉक्टर जब हड़ताल करते हैं थोड़ा से इनको कुछ मामला हो जाता है, ये लोग हड़ताल पे उतर जाते हैं, ये लोग एहतजाज पे उतर जाते हैं। ये एहतजाज का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में बैठते हैं, हम लोग अस्पतालों में गरीबों को लूटते हैं, इस तरह नहीं होता। ये नया पाकिस्तान है, एक एक अस्पताल से हम हिसाब लेंगे और एक एक डॉक्टर के साथ हम हिसाब लेंगे, इस तरह नहीं होता। हमारे गरीब देखें, बलूची बताएं जो मलेरिया इधर बड़ा रश लगा हुआ है, मलेरिया और मलेरिया की गर्मियाँ आ रही हैं, बुखार जा रहे हैं,